और उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महासचिव वीएल संतोष की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई मुलाकात में लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, तब उनके साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। शुरू से कैबिनेट में 3 पद खाली चल रहे थे, फिर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद अब कुल 4 पद खाली हो चुके हैं। अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। तो उत्तराखंड से 2 उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से दो मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बैठक में। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2022 में भी 80 विषय विशेषज्ञों को निकाला था और इन पर सही काम नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रश्न पत्रों में गलत सवाल पूछे जाने और गलत विकल्प देने जाने, मूल्यांकन और इंटरव्यू के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए समीक्षा की बात कही। यूपी पीएसी अब संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर से विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा। तो यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेष विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य ना करने पर विशेषज्ञों पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया है। पिछले बार 2022 में भी 80 विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया था और हम आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेषज्ञ निकाले गए हैं और अब यूपी पीएसी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर से विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा। तो यूपी लोक सेवा आयोग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 100 विशेष विशेषज्ञों को निकाला गया है और यूपी गुणवत्तापूर्वक काम ना करने की वजह से ये कदम उठाया गया है। प्रश्न पत्र गलत और विकल्प गलत देने के ऊपर बवाल उठा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।